आरुषि की हत्या के दाग छुड़ाने के लिए मम्मी पापा के पीआर एजेंसी हायर करने का वायरल सच। देश को झूठ से बचाने वाले शो वायरल सच में आपका स्वागत है। आज से करीब 9.5 साल पहले हुए आरुषि तलवार की हत्या के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कल फैसला सुनाते हुए कहा कि मम्मी पापा ने आरुषि को नहीं मारा था। बहुत जल्द आरुषि के मम्मी पापा जेल से बाहर होंगे, लेकिन उनकी रिहाई से पहले ही सोशल मीडिया पर एक चौंकाने वाला दावा किया जा रहा है। दावा यह कि अपनी बेटी आरुषि की हत्या के दाग छुड़ाने के लिए उनके मम्मी पापा ने एक पीआर यानी पब्लिक रिलेशंस एजेंसी को किराए पर लिया था। देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री से जुड़े इस चौंकाने वाले दावे का सच आखिर क्या है, यह वायरल सच अब सामने लाने वाला है। क्या अपनी बेटी आरुषि की हत्या के दाग मिटाने के लिए उसके मम्मी पापा ने पीआर एजेंसी को किराए पर लिया था? क्या मीडिया को अपने पक्ष में लाने के लिए आरुषि के मम्मी पापा ने एक एजेंसी को पैसे दिए जो उनकी छवि को अच्छा बनाने का माहौल बनाए? क्या देश के उस जनमानस का मन बदलने के लिए नूपुर तलवार और राजेश तलवार ने एक एजेंसी को ठेका दिया था जो आरुषि की हत्या के लिए उसके माँ बाप को दोषी मानते हैं? हैरान परेशान करने वाले ये तमाम सवाल पूछ रहा है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये ट्वीट। नीले निशान वाले आधिकारिक अकाउंट से ट्विटर की दुनिया पर पहुंचे इस ट्वीट ने बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। ट्वीट करने वाले शख्स का नाम है प्रशांत पी उमराव। सैकड़ों लोग इनके ट्वीट को लाइक और रिट्वीट कर चुके हैं। खुद को पेशे से वकील बताने वाले प्रशांत पी उमराव ने लिखा है, पहली बार एक केस में ऐसा हुआ है कि एक पीआर एजेंसी ने पूरी कहानी ही बदल कर रख दी। फिल्म और किताब समेत इसने हर दिशा में काम किया और आखिर में प्रभावित हुआ हैशटैग आरुषि वर्डिक्ट। पीआर एजेंसी यानी पब्लिक रिलेशन एजेंसी, ऐसी एजेंसी जो किसी व्यक्ति या कंपनी के आम लोगों से रिश्तों को सुधारने और उनकी छवि को समाज में बेहतर बनाने का काम करती है। ये काम ये कंपनियां पैसे लेकर करती हैं। प्रशांत उमराव का दावा है कि आरुषि पर जो फिल्में बनी उसके पीछे आरुषि के मम्मी पापा की किराए पर ली गई पीआर एजेंसी थी। प्रशांत उमराव का दावा है कि आरुषि पर जो किताबें लिखी गई उसके पीछे राजेश और नूपुर तलवार की पीआर एजेंसी थी। सबसे पहले हम आपको बता दें कि आरुषि हत्याकांड पर दो फिल्में बन चुकी हैं। दोनों ही फिल्में साल 2015 में रिलीज हुई थीं। पहली फिल्म थी रहस्य। हंसल या बृंदा, मोटिव किसके पास? दोनों के पास हो सकता है सर। हंसल सचिन से बदला लेना चाहता होगा या बृंदा सचिन से शादी। एक्चुअली उस रात हुआ क्या था? Even you don't trust me. आरुषि हत्याकांड पर बनी दूसरी फिल्म थी विशाल भरद्वाज और मेघना गुलजार की तलवार। मैंने अपनी बेटी को नहीं मारा है। डॉक्टर टंडन अश्विन कुमार, आई एम हैंडलिंग इंग्लिश। सर, किसी भी बेगुनाह को सजा मिलने से अच्छा है 10 गुनाहगार छूट जाए। नार्को टेस्ट के रिजल्ट्स में ऐसा कुछ भी हासिल नहीं हुआ है जिसके बूते पे ये कहा जा सके कि उनका अपनी बेटी के मर्डर में जरा सा भी हाथ था। न्यूज रिपोर्ट में इस फिल्म को राजेश और नूपुर तलवार के पक्ष में बताया गया था। रमेश की जान थी। आई होप जस्टिस इज डन। क्राइम सीन को तुमने मच्छी बाजार बना दिया है? फिल्म के बाद अब आइए किताब पर। आरुषि हत्याकांड पर दो किताबें लिखी गई, सुनील मौर्य की कातिल जिंदा है और दूसरी किताब थी अभिरूप सेन की आरुषि। प्रशांत उमराव ने अपने ट्वीट में डंके की चोट पर यह दावा किया है कि फिल्म से लेकर किताब तक के पीछे राजेश और नूपुर तलवार की पीआर एजेंसी काम कर रही थी, लेकिन इस दावे में कितना दम है इस सामने लाने के लिए पड़ताल जरूरी थी। पड़ताल के लिए हमें हर किरदार तक पहुंचना जरूरी था। इस पूरी कहानी में 4 किरदार सामने आ चुके थे। पहला किरदार दाग मिटाने के लिए पीआर एजेंसी किराए पर लेने का दावा करने वाले प्रशांत उमराव। दूसरा किरदार आरुषि पर फिल्म बनाने वाले निर्देशक। तीसरा किरदार आरुषि पर किताब लिखने वाले लेखक।
और चौथा किरदार खुद आरुषि का परिवार। इस दावे का सच जानने के लिए हमने बारी बारी से हर किरदार तक पहुंचने की कोशिश की, ताकि हम देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री से जुड़े इस बेहद विवादित दावे का सच बता सके। इसके बाद हम अगले किरदार की तरफ बढ़े। अब बारी थी दूसरे किरदार यानी तलवार फिल्म बनाने वाली निर्देशक मेघना गुलजार की। हमने मेघना गुलजार से प्रशांत उमराव के दावे का सच पूछा तो जवाब में उन्होंने एबीपी न्यूज से कहा, श्रीमान प्रशांत पी उमराव को निश्चित तौर पर हमारी न्याय व्यवस्था पर ज्यादा भरोसा नहीं है और अपनी क्षमताओं पर कुछ ज्यादा भरोसा है, और मैं इस मुद्दे को इससे ज्यादा महत्व नहीं देना चाहती। हमने फिल्म के राइटर विशाल भारद्वाज से भी बात की, सुनिए उन्होंने इस आरोप पर क्या कहा। आई थिंक उसने लाइमलाइट में तो लाया वो चीजें जो नीचे सरफेस के नीचे थी, उस सरफेस के ऊपर आई जो इन्वेस्टिगेशन से बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि डाउटफुल थी। तो फिल्म में हम लोगों ने बहुत ही न्यूट्रल एक स्टांस लिया था, हमने किसी की साइड नहीं ली थी। जो भी इन्वेस्टिगेशन में था और जो भी दोनों इन्वेस्टिगेटर्स ने इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने किया था, हमने वो जैसा का तैसा दिखाया और उसका आउटकम ये था कि उसमें पता चलता था कि क्या हो रहा है। यानी कहानी के दूसरे किरदार के तौर पर तलवार फिल्म की निर्देशक मेघना गुलजार प्रशांत उमराव के दावे और आरोप को सिरे से खारिज कर रही थी। तलवार फिल्म के राइटर विशाल भारद्वाज कह रहे थे कि उन्होंने फिल्म में किसी का पक्ष नहीं लिया था। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं किरदार नंबर 3 के पास, यानी आरुषि पर किताब लिखने वाले लेखक के पास। एबीपी न्यूज संवाददाता इमरान हुसैन सुनील मौर्य के पास पहुंचे। हमने उनसे पूछा कि क्या आपकी किताब के पीछे आरुषि के मम्मी पापा की पीआर एजेंसी काम कर रही थी? ऐसा कुछ भी नहीं, अगर ऐसा करना होता तो मेरी किताब के लिए अभी तक पीआर एजेंसी अगर करती तो इतने सारे मेरे फेसबुक पे कम से कम हजारों से फॉलोअर होते, ये होता, जबकि ऐसा नहीं है। मैं जब से मैंने लॉन्च किया है तब से मैं खुद इसका प्रकाशन से लेकर के हर चीज़ खुद हम करवा रहे हैं। इवन जहाँ से प्रकाशित हुई किताब उनको भी मैंने कुछ पैसे दे के कहता हूँ कि भाई इसको ज़रा प्रचार प्रसार किया जाए, इस तरीके से लोगों तक रीच बढ़ाई जा रही है। अगर ऐसी कोई बात होती तो हमारे बुक स्टोर पर हर जगह ये चीज़ हो जाती, तो मुझे तो खुद इस बात में हंसी आती है कि जो ऐसा दावा कर रहा है। सबसे आखिर में हम पहुंचे इस कहानी के सबसे अहम किरदार के पास। इस बार हम उस शख्स तक पहुंच चुके थे जिसने दावे को वायरल किया था। हमने वकील प्रशांत उमराव को ढूंढ लिया था, जिनके ट्वीट के बाद सारा बवाल शुरू हुआ था। एबीपी न्यूज संवाददाता निपुण सहगल ने उनसे पूछा कि आपने ये दावा क्यों किया। किताब इस बारे में एक पुस्तक आई, एक फिल्म बनाई गई, जबकि मामला कोर्ट में था और ये शायद ऐसा पहला मामला होगा कि मामला चलते रहने के दौरान ही ये फिल्म भी आई, किताब भी आई। और भारतीय समाज जो है एक भावनात्मक समाज है, वहाँ लोग भावनाओं में ज़्यादा बह जाते हैं, तो इस तरह की बातें वहाँ पे रखी गई और ये कहीं ना कहीं से इस तरह के अगर मीडिया ट्रायल होता है या ऐसी सोशल मीडिया बातें होती तो कहीं ना कहीं निर्णयों में भी प्रभाव पड़ सकता। प्रशांत उमराव शायद अपना अनुभव बता रहे थे, लेकिन हमें उनका अनुभव और ज्ञान नहीं सच की तलाश थी, इसलिए हमने सीधा सवाल किया कि क्या आपको किसी पीआर एजेंसी का नाम पता है जो आरुषि के मम्मी पापा ने किराए पर ली थी इस हत्याकांड के दाग छुड़ाने के लिए और उनके पक्ष में जनता का रुख मोड़ने के लिए। मैं आपसे सीधा सवाल करता हूं कि क्या आपके पास ऐसी कोई पुख्ता पक्की जानकारी है कि फला एजेंसी थी, उसको इतने पैसे दिए गए और इस तरह से एक नेटवर्क पूरा चलाया जा रहा था, या जो आपने सोशल मीडिया में देखा उसके आधार पर ही आप एक अनुमान लगा रहे हैं कि पीआर वर्क हो रहा था उनके लिए? देखिए, पिछले कई सालों से जो देख रहा था 2008 के बाद से, अभी एक दो महीने पहले तक भी मैंने इस तरह की न्यूज़ें देखी, तो बिना किसी पीआर टीम के, बिना किसी मोटिव के, बिना किसी के गाइडेंस के इस तरह की चीज़ें ऑटोमेटिक नहीं चल सकती हैं। और कोई जरूरी नहीं कि कोई पीआर एजेंसी हो, उनके द्वारा किसी को, उनके फैमिली मेंबर्स भी ये सब चीज़ें रन कर सकते हैं, तो ऐसे किसी ऊपर नाम, ऐसे बिना किसी उसके नाम नहीं लिया जाता। सुन लीजिए, देख लीजिए, नीले निशान वाला ट्विटर अकाउंट है प्रशांत उमराव के पास। पेशे से वकील है लेकिन एक बेहद संवेदनशील और तथ्यों पर आधारित मुद्दे पर उन्होंने बिना किसी सबूत के गंभीर आरोप लगा दिए। पर प्रशांत उमराव ये जरूर कहते हैं, पर लगता है प्रशांत उमराव बिना किसी का नाम लिए उसे बदनाम करना बहुत अच्छे से जानते हैं। प्रशांत उमराव ने जो देखा सुना उससे उन्होंने कहानी गढ़ और बिना सोचे समझे उसे
सोशल मीडिया जैसे जिम्मेदार फोरम पर डाल भी दिया। ऐसे में हमारी पड़ताल ने आरुषि हत्याकांड में हत्या के दाग मिटाने के लिए आरुषि के माता पिता का पीआर एजेंसी हायर करने वाला दावा झूठा साबित हुआ है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।